विभिन्न धर्मों के मानने वाले उस महान व्यक्ति का उल्लेख करते हैं जिसने सभी चीज़ों को बनाया है, जिसमें समय, स्थान, जीव और अंतरिक्ष शामिल है। कुछ लोगों का मानना है कि इस ब्रह्मांड में सभी जीवित और निर्जीव चीज़ों का एक निर्माता और नियंत्रक है, और इन लोगों को कहा जाता है आस्तिक। और जो लोग इन चीज़ों पर यकीन नहीं करते उन्हें नास्तिक कहा जाता है। विज्ञान ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता है। विज्ञान के अनुसार प्रकृति में सब कुछ अपने आप बना है, अंतरिक्ष में एक विस्फोट के बाद, जिसे बिग बैंग कहा जाता है। कुछ विज्ञानी एलियंस के साथ ईश्वर की तुलना करते हैं। विभिन्न प्राचीन धर्मों के मिथोलॉजी में ईश्वर को स्वर्गीय वाहन के साथ स्वर्ग से उतर के पृथ्वी पर आने का उल्लेख मिलता है। जैसे कि चीनी लोगों का मानना है कि उनके महान सम्राट सी हुआंग स्वर्ग से पृथ्वी पर आए थे स्वर्गीय ड्रैगन पर चढ़। और एलियंस भी तो यूएफओ में पृथ्वी पर आते हैं, हालांकि जो लोग ऐसा देखते हैं वही सिर्फ दावा करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्राचीन काल में शायद इंसान भी यूएफओ को देखकर स्वर्गीय वाहन और एलियंस को देखकर ईश्वर समझ लिया था। यानी कि साइंटिस्ट कहते हैं कि ईश्वर या गॉड और कोई नहीं, वो लोग एलियंस थे। 1970 को दो सोवियत विज्ञानी माइकल वॉसिन और अलेक्जेंडर सर्वकोव दावा करते हैं कि चांद अंदर से खोखला है, जो विज्ञान में हॉलो मून थ्योरी नाम से जाना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार चांद खोखला है और इसके अंदर किसी दूसरी दुनिया की प्राणी यानी कि एलियंस की मिलिट्री बेस है। साइंटिस्ट के अनुसार एलियंस ने ही चांद को बनाया है पृथ्वी और इंसानों पर नजर रखने के लिए। और ताज्जुब की बात यह है कि बहुत सारे डेटा ये भी जाहिर करते हैं कि हम इंसान भी एलियंस की बनाई हुई चीज़ है और एलियंस ही हमारे लिए सृष्टि करता है। डेटा ये भी कहते हैं कि एलियंस सौरमंडल में पृथ्वी और मंगल को एक्सपेरिमेंट करने के लिए चुने थे। इन ग्रह पर वो लोग जीवन की सृष्टि करना चाहते थे, लेकिन किसी कारण जावत मंगल पर ये नहीं हो पाया और पृथ्वी पर प्राण संचार होती रही।